विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। ये भैया इनको दिखाई नहीं दे रहा है, भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। बात सही है, क्योंकि प्रेस वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे ही नहीं। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या, अब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। और इसीलिए हमने ये 7 यात्राएं, जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। कमलनाथ जी कितने किलोमीटर चले थे हम यहां? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में टोटल कितने चले थे? नहीं नहीं नहीं, यात्रा कितने किलोमीटर चली थी? लगभग 180 किलोमीटर। हाँ, ये देखिए 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले, मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। सबसे पहले, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में यह नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो, 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं, यह इनका राज है। दूसरी बात, किसानों ने अपनी बात बताई। किसानों ने कहा, और यहां आप सोयाबीन उगाते हो, आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे, कि हमें मध्य प्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है। अब आप जाइए छत्तीसगढ़ में, जाइए पास, जाइए दूर नहीं है,
छत्तीसगढ़ जाइए और छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से आप पूछिए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है, कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है। हमने वायदा किया था 2,500 रुपए धान के लिए दिए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में जो हमने वायदा किया वो हमने वायदा पूरा करके दिखा दिया। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी का वायदा किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की थी। यहां पे कमलनाथ जी कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां आपको धोखा देके आपकी सरकार को बीजेपी वालों ने चोरी की, सही बात है। भाइयों और बहनों, 18,000 किसानों ने यहां पे पिछले 18 साल आत्महत्या की है। 3 किसान हर रोज मध्य प्रदेश में मरते हैं। ये इनकी सरकार है। क्यों? क्योंकि ये चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। इन्होंने जीएसटी लागू की और 5 कानून लाए, काले कानून, किसानों को दबाने के, खत्म करने के कानून। हिंदुस्तान के सारे किसान इनके खिलाफ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों के फायदे के लिए मैं ये कानून, काले कानून लाया हूं। अगर किसानों के फायदे के लिए कानून लाए तो किसान सड़क पे क्यों उतरे हैं? नरेंद्र मोदी जी कहना चाहते थे कि किसानों को कोई समझ नहीं है, किसान अपने हित को नहीं जानते। नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति अदानी जी किसान को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, आप कर्नाटक जाइए, राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हिमाचल जाइए, हमारी सरकारें गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करती हैं। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दी, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। आप जाइए कर्नाटक में, जाइए कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। कहीं भी जाना हो कर्नाटक में, कहीं कर्नाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है, सरकार पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में जाइए, किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाते हैं। राजस्थान में जाइए, स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, मुफ्त में वहां पे दवाई मिलती है, 15 लाख रुपए का वहां पे फ्री में इलाज होता है। हार्ट सर्जरी करवानी हो, बड़ी से बड़ी सर्जरी करवानी हो, राजस्थान में जाइए, पता लगाइए, राजस्थान की जनता को वहां पे फ्री में सर्जरी मिलती है।